तो आज विकास जी हम इस बात पर विचार करेंगे कि पतंजलि योग और नाथों का जो है योग, उन दोनों में क्या अंतर है। जो नाथों वाला योग है और पतंजलि योग है, उसको समझने के लिए पहले हमें योग शब्द को समझना पड़ेगा। संस्कृत भाषा में दो जगह दो धातुएं आती हैं, रूट अलग अलग गण हैं। दिवादी गण में और धातु आती है और चुरादी गण में और धातु आती है। दिवादी गण में धातु आती है युज। युज का मतलब होता है समाधि, समाध हो। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, जो आज ऐसे योगा कर रहे हैं, वो कहते हैं युज माने जोड़ना। युज माने जोड़ना नहीं है। संस्कृत की किसी किताब में और किसी डिक्शनरी में, गणपाठ में या धातु कोश में कहीं भी युज का मतलब, तो युज का मतलब होता है युद्ध समाधौ, और उससे योग शब्द बन गया, यानी समाधि का रास्ता। और दूसरी जगह आता है चुरादी गण में, वहाँ आता है युजिर योगे, जोड़ना। तो युजिर से जोड़ना बनता है, मिलना मिलाना, और युजिर से भी योग शब्द बन जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। हम दो धातुओं को भूल जाते हैं। जैसे हम अंग्रेज़ी में कहें तो फाइंड माने किसी चीज़ को प्राप्त करना, कहीं कोई चीज़ मिल गई हमें, 10 रुपये पड़े मिल गए, फाइंड, और इसका पास्ट टेंस बन गया फाउंड। और दूसरी जगह हो गया फाउंड, शाहजहाँ फाउंडेड दिल्ली। तो हम फाउंड फाउंड में अगर कन्फ्यूज़न कर जाएंगे तो उल्टा सीधा मतलब हो जाएगा। तो ऐसे हम दो धातुओं में अगर कन्फ्यूज़न कर जाएँ, युज और युजिर, तो योग का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग रूप हैं, युज समाधौ जो रूप है योग का, वो पतंजलि का है। युजिर योगे जो रूप है, वो हमारे हठ योग का या तंत्र योग का या नाथों वाला योग है। अब इनको हम विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हैं ये। इनको हम संक्षिप्त में थोड़ा सा इनका अंतर बताएंगे दोनों का। एक तो एक दोनों के फाउंडर अलग अलग हैं, स्थापना करने वाले संस्थापक अलग अलग हैं। जो राजयोग है उसके संस्थापक हैं पतंजलि, और जो हठ योग है उसके संस्थापक हैं गुरु गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने घेरंड संहिता, यानी शिव की जो संहिता है, आदिनाथ तो शिव के अवतार थे, उनके शिष्य थे मत्स्येन्द्रनाथ, और मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे, तो शिव से जो गो चला हमारा, वो उधर का योग चला है। अब उस योग में हम क्या करेंगे कि जब उस हठ योग में जाएंगे तो हम कहेंगे ये काया सिद्धि करनी है। काया सिद्धि का जो योग है वो हठ योग है, यानी इनका योग है जिनको हम तांत्रिक कहें या नाथ वाले कहें। और चित्त की शुद्धि जो है वो पतंजलि योग है। योगस चित्त वृद्धि निरोध, वहाँ योग की परिभाषियाँ दी है काया शुद्धि। अब काया शुद्धि के अलग अलग इन्होंने कर्म दिए हैं, षठ कर्मा है काया शुद्धि। इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, इनका नाम बता सकते हैं। ये षठ कर्मा है, काया को हमने शुद्ध करना है। जब काया शुद्ध होगी तब जा करके ये कहते हैं काय ही अगर आपके, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसमें भी अंतर दोनों का हो जाता है, पतंजलि का और इनका। ये कहते हैं कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, आपका शरीर ही अगर बीमार है तो आप ऊंची बातें कहाँ सोचेंगे, आप बीमारी की बातें सोचते रहेंगे, मन में सैकड़ों बीमारियाँ चिंता विंता शरीर की लग जाएंगी। तो ये कहते हैं शरीर अगर आपका ठीक रहेगा, और शरीर के अंदर भी जो अंतः शुद्धि है, अंदर की नाड़ियाँ अगर शुद्ध रहेंगी आपकी, तो आपका मन ऊँचे ऊँचे विचार सोचेगा और आप परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो लिया है युजिर योग, युजिरों का मतलब मिलना, शिव और शक्ति जब मिल जाएंगे तो आपका योग पूरा हो जाएगा। तो यहाँ होता है मिलना, हमने मिलाना है शिव को शक्ति के साथ। शिव सहस्त्रार कमल में बैठे हुए हैं, और शक्ति जो है मूलाधार में है, कुंडलनी के रूप में। मूलाधार कहाँ पर है, लिंग और गुदा के बीच में जो छोटा थोड़ा स्थान होता है, 4 अंगुल का स्थान है वो,
कुंडलनी वहाँ बैठी हुई है, जो महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो कुंडलनी वहाँ पर सोई हुई रहती है। रास्ते अलग अलग हैं। हठ योग वाले कहते हैं कि अगर शरीर का शोधन होगा और शरीर के अंदर जो अंदर नाड़ियाँ हैं, सारी नाड़ियाँ, उनको अगर शुद्ध कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो माइंड भी ठीक हो जाएगा और फिर हम मिलाप करा सकेंगे शिव का शक्ति के साथ, नहीं तो हम ऊंची बात सोच ही नहीं सकते। पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, हमारा जो चित्त है उसकी वृत्तियाँ चारों तरफ हमें संसार की तरफ ले जाती हैं। कितनी वस्तुएँ संसार के अंदर, हमारा चित्त उनकी तरफ जाता है, और जब चित्त हमारा उनकी तरफ भागता है तो उन्हीं के आकार में आकर के फंस जाता है। मुझे किताब बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा चित्त जो है भागेगा इसकी तरफ को, और जब वो इसके आकार में बन जाएगा तो मेरा चित्त से इस किताब से इतना मोह हो जाएगा कि इस किताब पे ज़रा सी मिट्टी भी जम गई तो मैं पत्नी को पीटूंगा कि कैसे मिट्टी जम गई, तूने साफ नहीं की। तो चित्त जो है हमारा विकृत हो जाता है, इसमें वृत्तियाँ जो हैं इसकी चित्त की, उन वृत्तियों को जब तक हम नहीं रोकेंगे संसार की तरफ से, तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं माइंड, अगर आपका माइंड, और आजकल तो डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि मैं बहुत सारी डिजीज जो हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। जैसे खाने के समय अगर आपको क्रोध आ रहा है तो अल्सर हो जाएगा आपको, वो क्रोध जो है अल्सर का कारण बन जाएगा और अल्सर की कोई इलाज भी नहीं। तो इससे खाने के समय माइंड हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि माइंड के इसी तरह से अब नई जो खोज हुई है वो ये हुई है कि जिनको सांस की बीमारी होती है, दमा जिसे कहते हैं, तो पहले दमा माना जाता था फेफड़ों के कारण से कि फेफड़ों में फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अब नई रिसर्च हुई है, अब उन्होंने कहा कि दमा जो है ये भी मेंटल है, चिंताओं के कारण से होता है। दमे को आप, मैं कहते हैं कि दमे का कोई इलाज नहीं, दमा दम के साथ, वो क्यों नहीं है इलाज उसका, दमा जो है उसको उन्होंने कहा कि ये सांस की बीमारी नहीं है, ये चिंता की बीमारी है। जब ज़्यादा चिंता होती है तो सांस फूलने लगता है, तो जब तक चिंताओं का इलाज नहीं करोगे दमे का इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीजें बहुत सारी हैं, चिंताओं के कारण से, एंग्जाइटी न्यूरोसिस के कारण से बहुत बीमारी। तो ये कहते हैं चित्त की वृत्तियों को रोकना, दोनों अलग अलग हो गए, वो काया शोधन कहते हैं, ये चित्त की वृत्तियाँ कहते हैं। अब काया शोधन के लिए उन्होंने आपको 6 चीज़ें दी हैं। पहला उन्होंने कहा कि धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये षटकर्मा आपका योग है। इन 6 को डिटेल में एक्सप्लेन कर तो बहुत चाहिए, लेकिन सारा योग जो है ये षटकर्मा है। ये जो 6 कर्म हैं इनके द्वारा आप साधना करेंगे शरीर की। धोती क्रिया कैसी है, उसके बाद वस्ती क्रिया कौन सी है, वस्ती के बाद नौली क्रिया कौन सी है, फिर नेति कौन सी है, फिर त्राटक कौन सी है, और उसके बाद अंत में आ जाता है कपालभाति। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो ये कहते हैं कि योग, हठ योग बड़ा कठिन योग है, शिव ने रोज़ योग दिया है, ये कठिन योग है कि अगर कोई साधक गुरु नहीं और उसके साथ आपने ये क्रियाएं करनी शुरू कर दी तो आप बीमार, आपको और शरीर में रोग हो जाएंगे। आपने धोती क्रिया शुरू कर दी और आपका कोई गुरु ऐसा नहीं है जो ट्रेंड हो, तो आप धोती में क्या करोगे, आपको गुदा रोग बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए ये जो योग है ये साधारण योग नहीं है, ये किसी सिद्ध गुरु के आदेशों के अनुसार उनके मार्गदर्शन में किया जा सकता है, लेकिन ये 6 कर्मा है, इसको 6 कर्मों के द्वारा आप कर सकते हैं। अब 6 कर्मों का एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे इस समय। इनसे क्या होता है कि जब आप ये 6 कर्म करते हैं तो आपकी नाड़ियाँ सारी शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। शरीर तो शुद्ध होता ही है लेकिन नाड़ियाँ अंदर की शुरू हो जाती हैं। इन नाड़ियों में 2 नाड़ियाँ बड़ी महत्व हैं, एक का नाम है पिंगला और एक का नाम है इड़ा। एक को हमने कहा सूर्य नाड़ी, एक को कहा हमने चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी को हमने हा कहा और चंद्र नाड़ी को हमने ठा कहा, तो दोनों को मिलाना है हमने, तो हो गया हठ योग। पहले इन नाड़ियों को शुद्ध करके मिलाओ।
जब ये नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी तो ये बीच में आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे से मिलकर सुषुम्ना में आ जाएंगे। सुषुम्ना जो है वो ब्रह्म रंध्र तक जाती है। ये ऐसे जहाँ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रंध्र है, आपका मस्तिष्क है, सेंट्रल ब्रेन जिसे कहते हैं, वो सेंट्रल ब्रेन तक जाने वाली सुषुम्ना है। सुषुम्ना का मार्ग अगर बंद रहता है तो आप योग की साधना नहीं कर सकते। और इस सुषुम्ना के मार्ग को खोलने के लिए पहले तो आपको षठ कर्म के द्वारा नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। तो ये षठ कर्म आपने कर लिए, उसके बाद आप इड़ा और पिंगला को मिलाने के लिए प्राणायाम करेंगे। अब पतंजलि में भी प्राणायाम है और हठ योग में भी प्राणायाम है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। पतंजलि प्राणायाम को मानते हैं रेचक, कुंभक और पूरक, इनका बैलेंसिंग कर दो, बहुत सरल है। आप क्या करोगे, आपने पूरक के अंदर जितनी देर में, एक मिनट लगा मान लो आपको, एक मिनट आपने सांस खींचा पूरक में और उसके बाद कुंभक में उसको रोक लिया, और कुंभक में रोकने के बाद आपने फिर उसको रेचक के द्वारा निकाला, तो एक मिनट ही फिर लगना चाहिए सांस निकालने में। तो जब ये बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो पतंजलि वाला प्राणायाम तो पूरा हो गया। लेकिन इनका प्राणायाम बहुत कठिन है। इन्होंने प्राणायाम के बड़े भेद किए हैं हठ योग वालों ने। इन्होंने कहा भस्करी प्राणायाम अलग है, अलग अलग भ्रामरी अलग है, अनुलोम विलोम अलग है, और उन्होंने पतंजलि वाले को भी माना, सिंपल प्राणायाम भी उन्होंने माना कि सिंपल प्राणायाम भी हो सकता है। एक आसन में आप बैठ जाएंगे, उस आसन में बैठ के आप बिल्कुल सिंपल प्राणायाम करें, इसको भी स्वीकार तो किया है, लेकिन उसको उन्होंने सरल माना कि तो सरल है, सरल प्राणायाम उसका नाम दिया। असली प्राणायाम इन्होंने कौन से माने, वो तीन अलग अलग माने हैं। तो इनका प्राणायाम कठिन है, ये जो हठ योग वाला। लेकिन जब ये प्राणायाम करते हैं तो दोनों नाड़ियाँ खुल जाती हैं, ईड़ा भी खुल जाती है, चलने लगती है, और पिंगला भी एक्टिव हो जाती है। सूरज और चंद्रमा की जब दोनों नाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो ये कहाँ आ जाती हैं, ये उसके अंदर आ जाती है सुषुम्ना में। सुषुम्ना के कई अर्थ लिए हैं लोगों ने, ख़ास तौर से पंजाब में सुषुम्ना को कहा जाता है। आपने देखा होगा पंजाब में बहुत, जैसे हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, इनके यहाँ होता है सुखमणि का पाठ। सुखमणि के तीन अर्थ लिए हैं, एक तो ये लिया है कि मन को सुख देने वाली, आपकी बॉडी को सुख देने वाली तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोफे पे लेट गए या बढ़िया माल खा लिया, लेकिन मन को सुख देने वाली क्या चीज़ है, तो सुखमणि है। सुखमणि मन को सुख देती है, और मन का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। शारीरिक सुख जितने हैं सब क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो जो आदमी शारीरिक सुख चाहता है, जो शारीरिक सुख की इच्छा करता है, वो वास्तव में सुख की इच्छा नहीं करता, वो दुख की इच्छा करता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहते डॉक्टर साहब दो दिन हो गए भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाया जाता। तो डॉक्टर ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, खाना बच रहा है भूख नहीं लगती तो। तो उसने कहा नहीं जी, बिना भूख के बिल्कुल खाना नहीं खाया जाता, और खाता भी हो तो उल्टी सी हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा तुम भूख मांगने आए हो, भूख तो दुखदायी होती है, दुनिया सुख मांगने आती है, तुम कहते नहीं कुछ भी दुख हो या सुख हो, मुझे भूख लगने लगे। तो ये कहते हैं शरीर के आप डॉक्टर, आप जो आदमी इच्छा करते हो वो दुख की कामना करते हो, जो शरीर के सुख की कामना करने वाले हैं वो दुख की कामना करते हैं, असल में सुख नहीं मांगते वो। इसी तरह मान लो किसी को सेक्स की इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसा हो गया है वो साधना करके सेक्स का दमन कर दिया है, अब वो संसार के अंदर आया तो उसे सेक्स, तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे दीजिए जो सेक्स की इच्छा हो जाए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। तो डॉक्टर कहेगा तुझे सेक्स की इच्छा नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी शांति है, हाथ पकड़ लेगा पैर पकड़ लेगा वो। तो कहते सेक्स तो दुखदाई होती है, जब सेक्स की इच्छा होती है तो आदमी को इतना दुख होता है, कई बार मर्डर भी कर देता है वो जा करके, तो तू सेक्स के मांगने आया, कहा जी। तो शारीरिक सुख नहीं मांगना चाहिए कभी भी, शारीरिक सुख हमेशा दुख देने वाला होता है। तो ये क्या कहते हैं कि मन का सुख जो है ना, ये सुखमणि, सुखमणि आपके मन को सुख देगी, और जब आपके मन को सुख मिलेगा तो आप शारीरिक सुख को भूल भी जाओगे। दूसरा उसका अर्थ होता है सुखमणि का,
सुख की, एक तो मन को सुख देने वाली, एक एक सुख की मणि, मणि जो होती है वो हमेशा चमकती रहती है। तो ऐसा सुख जो हमेशा हो, निरंतर आपके जितने सुख हैं शारीरिक भौतिक सुख, वो क्षणिक होते हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए रोटी खा ली और आपको सुख मिल गया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी। तो ये चीज़ जो होगी, ये मणि है, मणि का की ज्योति कभी नहीं बुझती, तो सुख की मणि। और तीसरी चीज़ ये है कि सुख सुषुम्ना जो नाड़ी है, जिस नाड़ी के द्वारा सारा हमारा ब्रह्म रंध्रक जाता है, उस नाड़ी को खोलने वाली है, ये सुषुम्ना को खोलने वाली है। तो हठ योग वाले ये काम करते हैं कि सारी साधना पहले षटकर्मा करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम के द्वारा दोनों नाड़ियों को खोलेंगे, सुषुम्ना को भी, उसको एड़ा को भी खोलेंगे, पिंगला को भी खोलेंगे, अभी दोनों मिल जाएंगे। तो जब ये सारा काम हो जाएगा, इसकी साधना हो जाएगी, तब जा कर के वो सुषुम्ना खुलेगी। उसका सुषुम्ना के अंदर जो रास्ता अवरुद्ध हो गया है, सुषुम्ना जो बंद पड़ी है, सुषुम्ना तो ऐसी नाड़ी है जो आत्मा का जिसमें प्रचार होता है, तो वो नाड़ी बंद पड़ी है, वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। और जैसे ही आपकी सुषुम्ना निर्मल हुई, एकदम विस्फोट, बड़ी दूर का एक पटाखा सा सुनाई देगा, नाद। इसका मतलब कुंडलनी जो है, जो अधोमुखी नीचे की तरफ उसका मुंह होता है, उसका मुंह ऊपर को हो गया, कुंडलनी करवट लेगी और मुंह ऊपर को हो जाएगा। जब कुंडलनी ऊपर को मुंह करेगी तो नाद की आवाज़ सुनाई देगी, जिसको स्फोट कहते हैं। और उस नाद से बिंदु उत्पन्न होगा, नाद और बिंदु से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जैसे ही ये जागेगी कुंडलनी, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर के अंदर कोई महाशक्ति जाग रही है, मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति पैदा। और कुंडलनी फिर जब आपकी साधना बढ़ती रहेगी और साधना आपकी चलती रहेगी, प्राणायाम जो तरह तरह के बताए हैं वो प्राणायाम चलते रहेंगे, और शरीर की शुद्धि के लिए वो षटकर्मा चलते रहेंगे, तो कुंडलनी ऊपर को उठेगी, वो स्वधिष्ठान में आ जाएगी। जब स्वधिष्ठान चक्र में आ जाएगी, तो जितने भी हमारे ऊर्ध्व वो अधो वो है दुख, वो सारे दूर हो जाएंगे। शरीर में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो रेतस, ओज जिसको कहते हैं, यानी जिसको आम भाषा में वीर्य कहते हैं, ये ओज कहलाता है। अगर आपने वीर्य का स्तंभन कर लिया, वीर्य को रोक लिया, तो आपके चेहरे पर इतनी चमक आ जाएगी जैसे सूर्य चमक रहा हो। तो ये जब कुंडलनी की सिद्धि करके आप इसको स्वधिष्ठान में ले आएंगे, तो वो अधो रोग जो है सारे वो रुक जाएंगे, सारे के सारे आपको बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, सेक्स पर पूरा कंट्रोल। उसके बाद कुंडलनी और ऊपर उठेगी, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं अभी, अभी आपने कुंडलनी को वहाँ नहीं रोका। कुंडलनी को रोकने में भी नुकसान हो जाता है, योग भ्रष्ट आदमी जो होते हैं उनको तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए जब एक बार कुंडलनी को जगा दिया तो साधना करते रहो, तो आप जो है उसको कुंडलनी को साधना करते हुए लाएंगे, तो फिर मणिपूरक में पहुँच जाएगी वो। मणिपूरक हमारी जो नाभि है इसके बिल्कुल पीछे होता है, हमारे प्लोक्सिस जो हैं, जो हमारे पेट के रोगों को कंट्रोल करते हैं सारे। कई बार ज़्यादा आदमी को लूज मोशन हो गए, कई बार बिल्कुल कई कई दिन तक मोशन नहीं होता, कई बार आदमी को यूरिन रुक गया, और कई बार आदमी को ज़्यादा यूरिन आ गया। तो ये सारे जो बीच के रोग हैं, इन रोगों को कुंडलनी यहाँ आकर के कंट्रोल कर लेगी। आप रोग से मुक्त हो जाओगे, कुंडलनी आकर के सारे रोगों को मुक्त कर देगी। और उसके बाद क्या होगा, कुंडलनी और ऊपर उठेगी, ऊपर जब उठेगी तो पहुंच जाएगी आकर के अनाहत में। अनाहत को बिगड़ा हुआ रूप, अनाहत का जो साधु लोग इस्तेमाल करते हो, कहते हैं अनहद नाद बज रहा है। कबीर ने तो बहुत इस्तेमाल किया है कि अनहद नाद बजत उर अंदर, ये सिद्धि का लक्षण है। जब यहाँ कुंडलनी पहुँच जाएगी हृदय के पास में, तो आपको अनहद, अनहद क्यों कहते हैं इसको, अनाहत का बिगड़ा हुआ रूप है। अनाहत का मतलब जब भी नाद उत्पन्न होगा तो दो चीज़ों के बजाने से होगा, आहत करेंगे तो नाद पैदा होगा, अब नाद पैदा होगा। अब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आपकी जब सिद्धि करते करते कि बिना आहत के हुए नाद सुनाई देगा आपको, आपको स्वर सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई देगी, वो कहलाएगा अनाहत नाद। जब ये कुंडलनियाँ पहुँच जाती हृदय पर, तो हृदय के अंदर से तरंगें ऐसी उठने लगती हैं
कि उन तरंगों में आपको अनाहत नाद सुनाई देगा। अनाहत नाद सुना दिया तो मतलब अब कुंडलनी जो है अपने सीधे रास्ते पर पहुंच गई। अब कुंडलनी ऊर्ध्वमुखी हो गए, अब रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं, कुंडलनी अपने आप पहुँचेगी। जब आगे चलेगी कुंडलनी तो विशुद्धि ये वाणी में पहुँच जाएगी। वाणी में पहुँचने के बाद कुंडलनी का एक रूप, दो रूप हो जाते हैं। एक तो कुंडलनी जो है वो यहाँ आकर के हमारे शरीर के अंदर जिस वाक शक्ति है उसको बढ़ा देगी, लेकिन दूसरा काम क्या करेगी, वैखरी के बारे में कहा जाता है कि जिसको अपनी वाणी पर कंट्रोल है वो सारी दुनिया का हृदय जीत सकता है, सारी दुनिया को जीत सकता है। वैखरी को कंट्रोल वाला, अब वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं भाई कोयल जो है मीठे वचन से सबको जीत लेती है, कौआ खराब वचन से सबको दूर। तो जब कुंडलनी यहाँ पहुँच जाती है हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र में, तो कुंडलनी वैखरी के रूप में सारे संसार के अंदर इससे वाणी निकलने लगती है। शुद्ध उच्चारण कुंडलनी के कारण से, जब वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता आदमी जब तक वैखरी सिद्ध ना हो, तो वैखरी सिद्ध करने जब हो जाती है तो मंत्रों का भी शुद्ध उच्चारण होने लगता है, वाणी में मिठास भी आ जाती है, रस भी आ जाता है सारा, और फिर उसके बाद एकदम उछल करके कुंडी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। ये तीसरा नेत्र खुल जाता है आदमी का, थर्ड आई जो है जब कुंडली यहाँ पहुँची, दोनों भौं जो हैं इनके बीच में तीसरा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में पहुँच करके कुंडली सहस्त्रार कमल में लीन हो जाती है जहाँ शिव भरा हुआ है, और शिव के साथ जब मिल जाती है तो उसको कहते हैं शिव शक्ति मिथुन पिंड। शिव और शक्ति का बिल्कुल मिथुन हो जाता है, एक दूसरे से इनसेपरेबल हो जाते हैं, ये योग है। जब वो एक बिल्कुल इनसेपरेबल हो जाते हैं तब सृष्टि सारी संसार की सृष्टि हो जाती है, और वो समाधि की स्थिति है, क्योंकि अब कुंडलनी जब यहाँ पहुँच गई तो सारी शक्ति वहाँ शांत हो गई शिव, और शांति वो परम शांति जो प्राप्त होती है आनंद की, वो स्थिति समाधि की स्थिति आ जाती है। उस समाधि की स्थिति में आदमी के लिए क्या करना पड़ता है कि उस समाधि की स्थिति में आदमी फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का मतलब तो शिव और शक्ति मिल जाते हैं तो सारे तो इनकी मोक्ष ये नहीं है कि संसार से अलग हो गए, बल्कि इनकी मोक्ष ये है कि सारा संसार जो है आनंदमय हो जाता है। शिव और शक्ति जो है, क्योंकि शक्ति नृत्य करती है हमेशा, एक्टिविटी सारी संसार के अंदर बरकरार रहती है, एक्टिविटी नष्ट नहीं होती, और शिव जो है कल्याणकारी है। ये कई बार विपरीत करनी भी हो जाती है, इसका अलग से उन्होंने वर्णन किया है तंत्र वालों ने। विपरीत करनी जो होती है वो क्या होता है कि शिव नीचे लेटे हुए हैं और शक्ति ऊपर है, ये विपरीत करनी है। ये तंत्र में साधना करने में यही होता है कि शिव नीचे लेटे हुए हैं और काली उनके ऊपर खड़ी है, ये विपरीत करनी तंत्र का ही एक भाग है। जब शक्ति वहाँ पहुँचती है शिव के पास तो शिव और शक्ति का मिलन कैसे होता है, ये बहुत सारा सरपेंट पावर एक पूरी किताब इस पर लिखी हुई है, तो ये सारा डिटेल से करने के लिए जब वहाँ पहुँच जाती है। ये शिव और शक्ति का जो विपरीत करनी है ये संसार में तंत्र में सबसे ज़्यादा पूज्य मानी जाती है। इसको तंत्र शास्त्र इस तरह कहते हैं कि सारे संसार में जब आसुरी वृत्तियाँ फैल गई, सारे शरीर में विकार ही विकार हो गया, बुराई की तरफ सारा शरीर चलने लगा और कहीं अच्छा ही नहीं, तो सारा क्या हो गया, आदमी का सारा रेतस जो है अधोपतन होने लगता है, वीर्य स्खलित होकर आदमी नष्ट हो जाता है, और सारी वृत्तियाँ जो है राक्ष, तब आदमी कुंडलनी को जगाता है। कुंडलनी बड़ी तेजस जगती है और ऐसी जगती है कि सब जितनी भी विकार है उनको खाना शुरू करती है। खाना जब शुरू करती है तो ऐसा कि खाते खाते देखती है सारे विकारों का नाश, शरीर में कोई भी विकार नहीं रहने दूंगी मैं, तो सबका नाश करते हुए सबका रक्त चूसते हुए चलती है। लेकिन जब इसको नहीं मिलता खाने के लिए तो देवताओं को कि अब तो मुझे तृप्त करो किसी तरह से, तो देवता कहते हैं कि महाशक्ति है इसको कौन रोकेगा, कुंडलनी जाग जाए तो इतनी महाशक्ति है कि ये तो संसार को विजय करा दे, अब इसको कौन रोकेगा। तो सारे देवता फिर शिव के पास जाते हैं, क्योंकि शिव की पत्नी है काली जो है ये, तो शिव से जाके कहते हैं कि कोई बस में नहीं आ रही शक्ति, तो शिव जाके नीचे लेट जाते हैं।
और ये काली जो है ऊपर जब नृत्य करने के लिए खड़ी होती है कि मेरी प्यास बुझाओ, तो जब नीचे देखती है कि मेरा तो पति नीचे लेटा हुआ है, तो स्तब्ध हो जाती है, ऐसी खड़ी हो जाती है, जिभ्या बाहर को निकल जाती है उसकी और इस तरह ही खड़ी हो जाती है। तो शिव जो है उसको वरदान देते हैं, इसी रूप में तुम स्थिर हो जाओ। महाशक्ति का आदमी पैदा करता है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए शक्ति पैदा है। शिव का मतलब कल्याण। तो महाशक्ति का अर्जन करेगा आदमी विनाश के लिए नहीं। कुंडलिनी को जो आदमी जगाएगा, अगर उसने कुंडलिनी को ठीक तरह से जगाया है, तो विनाश के लिए नहीं, फिर वो कल्याण के लिए जगाएगा, संसार के कल्याण के लिए। तो विपरीत करनी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसलिए इसमें हमारे शरीर की शुद्धि के लिए आसनों का बहुत वर्णन किया है। पतंजलि योग में आसन नहीं है, पतंजलि योग में एक ही आसन है। यहाँ क्योंकि यहाँ शरीर को शुद्ध करना है, शरीर को ठीक करना है, और फिर जब कुंडली यहाँ तक आ जाती है तो शरीर के सारे रोगों का नाश करना होता है। तो इसलिए हठ योग में आसन बहुत हैं, शरीर के एक एक अंग को ठीक करने के लिए तरह तरह के बहुत सारे। शुरू में तो इन्होंने घेरण संहिता में तो 84 आसन लिखे थे, अब तो लोगों ने और भी बहुत सारे, बाबा रामदेव वगैरह ने और भी आसन जोड़ दिए उसमें, तो अब तो बहुत सारे 100 से भी ऊपर बन गए हैं। तो वैसे ओरिजिनल जो हैं, जो घेरण संहिता के जो गोरखनाथ जी ने बताए, वो 84 आसन बताए कि 84 आसन है सारे शरीर के रोगों को नाश कर देंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये जो योग है, इसको जो हमने बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया है, ये इतना विशाल है, इतना विशाल है, इसको वर्णन करने में तो कई महीने लग जाते हैं, एक एक क्रिया को बताने में और एक एक आसन का व्याख्या, कौन सा आसन कौन सी बीमारी को दूर करेगा, कौन सा आसन कौन सी रोग को दूर करेगा, जब कुंडलिनी यहाँ आ जाएगी तो उसको कैसे रोका जाएगा, जब कुंडलिनी अनाहत में आएगी तो यहाँ, तो कुंडलिनी से जो बिंदु पैदा होगा वो बिंदु ही हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। तो कुंडलिनी योग जो है वो जब पहुँच जाता है, अब बहुत सारे लोग जो जिनकी जिन्होंने कुंडलिनी की अच्छी तरह साधना की है, तो कुंडलिनी जब ऊपर बढ़ करके शिव की तरफ चली जाती हैं, तो उसका पहचान क्या है, ऊर्ध्व रेता। कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी राजयोग करने वाली है, तो स्त्री का रज और पुरुष का रेतस, जब ये मिलता है तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इसको जो वाम मार्गी हैं और कौलाचारी हैं, इन्होंने इसको प्रैक्टिकल रूप में किया, वो स्त्री को के साथ संभोग करते हैं कि स्त्री के रज से पुरुष का रेतज मिलाओ, तब जाकर के सिद्धि होगी। लेकिन योग में इसका ये अर्थ नहीं है, योग में इसका अर्थ है, स्त्री के रज का अर्थ होता है शक्ति, जन्म देने वाली शक्ति, जिससे चीज़ उत्पन्न होती है, ऐसी शक्ति जो क्रिएटिव पावर है, उसको हम कहते हैं ये रज है स्त्री का। माता के रज से ही पुत्र पैदा होता है, संतान। तो रज कोई ये नहीं है हम स्त्री के साथ मैथुन करें कि उसका रज हो, रज का मतलब है क्रिएटिव पावर। और जो रेतस है, उस रेतस का मतलब है बीज, संसार का बीज, वो है कल्याण। संसार आनंद के लिए बनाया गया है, कल्याण के लिए बनाया गया है, दुष्टों के लिए नहीं बनाया गया, दुष्टों का तो नाश करते हैं शिव जी। तो कल्याण जब हमारा उस क्रिएटिव शक्ति के साथ मिल जाता है, तो शिव और शक्ति के मिलन को हम कहते हैं कि ये है रज और रेतस का मिलन। अब इसमें क्या होता है, जब हम साधना करते हैं तो कुंडलिनी जब ऊपर की तरफ चलती है, तो सारे तेज को लेकर के रेतस को लेकर ऊपर चलती है। तो इसलिए जिसने कुंडलिनी की साधना कर ली है, उसको कहते हैं ऊर्ध्व रेता, यानी अब उसका जो वीर्य है वो ऊपर की तरफ चला गया है, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। 1000 स्त्री भी अगर उसके सामने खड़ी कर दो, वो 100 स्त्रियों के साथ भी संभोग करेगा, तो उसका वीर्य स्खलित नहीं होगा, तो अखंड ब्रह्मचारी बन जाएगा वो आदमी। तो ये शिव और शक्ति का योग जो है बहुत ऊंचा महान योग है। बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे, बहुत सारे योगी जो ऊर्ध्व रहता है, इन्होंने अपने गुरु को इसी तरह छुड़ाया था, गोरखनाथ जी ने।
इनके गुरु फंस गए थे उस चक्कर में, जाएँ स्त्रियों का नारियों का ही रोग था, और वो नारी घुस सकती थी वहाँ पुरुष जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने गोरखनाथ जी ने नारी का रूप रखा और वो अपने घुंघरू जो थे वो पैर में बांधे, और उन घुंघरुओं के अंदर से आवाज़ निकलती थी, निकल मथंदर गोरख आया, निकल मथंदर गोरख आया। तो उन्होंने कहा ये कौन सी स्त्री नाच रही है जो इसमें से ये आवाज़ आ रही है। तो मच्छंद्रनाथ जी ने देखा कि एक स्त्री ऐसी आ रही है उसके घुंघरुओं से ये आवाज़ आ रही है। तो उस आसक्त हो गए, जब ये गुरु के पास पहुँचे, क्योंकि पुरुष जा नहीं सकता था, जब ये पहुँचे गुरु के पास तो गुरु ने पहचान लिया। तो ये गुरु को फिर वहाँ से स्त्रियों के चक्कर से छुड़ा के लाए, और खुद इन्होंने साधना करके ऊर्ध्व रेतस, इनको ऊर्ध्व रेतस कहते हैं, यानी इन्होंने अपने वीर्य को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया था, अब वीर्य स्खलित नहीं हो सकता, तो ये ऊर्ध्व रेतस बन गए थे हमारे। तो ये तो है हमारा हठ योग संक्षिप्त में। अब पतंजलि योग क्या कहता है? पतंजलि योग कहता है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं यही सारा हमें विकार पैदा करती हैं और एंग्जाइटी ले आती हैं, इसलिए माइंड के मॉडिफिकेशन को ठीक करो, शरीर की कोई चिंता ना करो। अब मेंटल मॉडिफिकेशन क्या है इसको भी हम डिटेल में नहीं कर सकते क्योंकि समय थोड़ा है। पांच तरह की हमारी वृत्तियां हैं, चित्त वृत्ति निरोध। पहले तो चित्त को समझना पड़ता है, चित्त है क्या, उसमें अहंकार भी है, उसमें मन भी है, उसके अंदर बुद्धि भी है, इन तीनों को ठीक करना पड़ता है। और तीनों को ठीक करने के बाद फिर ये जब बाहर की तरफ भागती हैं, बहिर्मुखी हो जाती हैं वृत्तियाँ, तो दुख का कारण बन जाती हैं। तो इनको अंदर की तरफ लाना है, यानी इनको निरोध करना है, बाहर नहीं जाने देना है। तो ये योग दूसरा है, वो योग दूसरा है। ये योग वो तो कहते हैं कि बिना शरीर की साधना के आपका माइंड ठीक नहीं हो सकता, ये कहते हैं कि माइंड का ठीक हुए बिना शरीर ठीक नहीं हो सकता, माइंड को ठीक करो। तो इन्होंने पहली बात क्या कही, विदाउट बीइंग मॉरल नोबडी कैन बी स्पिरिचुअल। हठ योग में यम और नियम नहीं है, हठ योग आसन से शुरू होता है, आसन है, प्राणायाम है, आगे तो फिर वही समाधि तक चला जाता है, लेकिन शुरू होता है आसन से। और पतंजलि योग कहाँ से शुरू होता है? यम और नियम। जो यम और नियम का पालन नहीं कर सकते वो कभी भी आसन समाधि में जा ही नहीं सकते। वहाँ आसन की एक ही परिभाषा दी है। तो पतंजलि योग में चार पाद हैं, पाद का मतलब चार हिस्से, चार चैप्टर। पहला चैप्टर है समाधि पाद, समाधि क्या होती है, क्योंकि ये युज समाधु से निकला योग, तो समाधि क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, निर्विकल्प होती है, सविकल्प होती है, कि जितनी तरह की भी समाधि हो सकती हैं, सारी समाधियों का वर्णन पहले अध्याय किया है। फिर दूसरा पाद है साधन, साधन पाद, समाधि के लिए क्या क्या साधन करने पड़ेंगे, समाधि के लिए रास्ता क्या है। तो पहले इन्होंने रखा, अब हम कई बार जाते हैं, वो कहते हैं जी पटियाला में गए, बहुत बड़ा योग का कैंप लगा हुआ था, तो हमने उनको कहा कि आप योग जो कर रहे हैं हठ योग, ये हठ योग का इनकम्प्लीट योग है ये। नहीं जी, हमारे गुरु ने तो 50 आदमी ठीक कर दिए, फलाना आदमी हार्ट का पेशेंट था। मैंने कहा देखो मैं ये बता रहा हूँ आपको, यम और नियम के बिना आपका आसन से ठीक नहीं हो सकते। नहीं जी हमारे गुरु, मैंने कहा नियम ये कहता है कि युक्त आहार विहारस से, भोजन युक्त होना चाहिए और विहार यो न कर। अब मैंने कहा हार्ट का पेशेंट है, आपके गुरु ने आसन तो करा दिया और घर जा करके वो सैचुरेटेड फैट खा रहा है, इतना इतना घी खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम गया, कहाँ से हार्ट को ठीक कर देगा। तो पहले अपने जिभ्या पर कंट्रोल करोगे तब वो आसन आपको ठीक करेगा। तो इसलिए यम नियम पहले करो, बाद में जाके आसन ठीक करेंगे। आपको रोग तो ये हो गया कि आपको किडनी बेकार हो गया है और नमक आप भी पकौड़े खाए जा रहे हो घर में जाके, तो जब तक आप अपनी जिभ्या पर कंट्रोल नहीं कर सकते यम और नियम के द्वारा, ये आसन आपका क्या कर लेंगे। तो इसलिए और नियम से शुरू होता है। अब चित्त की वृत्तियों को एक्सप्लेन हम करें तो बहुत टाइम बहुत लग जाएगा। चित्त की पांच वृत्तियां हैं, उन पांचों वृत्तियों को कंट्रोल करना है हमने, चित्त वृत्ति निरोध, उन पर निरोध, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगानी है।
तो अब रेस्ट्रिक्शन लगाने के रास्ते जब बताए तो उन्होंने कहा कि पहला रास्ता है, पहला यम, पांच यम हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। इन पांच का पालन पहला करो। और इन्होंने कह दिया पांच का पालन करते हुए कि विदाउट बीइंग मॉरल यू कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। आप समाधि की ओर, स्पिरिचुअल की तरफ जा ही नहीं सकते, पहले आपको मॉरल बनना पड़ेगा। हठ योग में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए यहाँ कहा, पतंजलि ने कहा कि योग के अनुकूल हर आदमी नहीं होता, हर एक को आप समाधि की तरफ नहीं ले जा सकते। तो इन्होंने चित्त की भूमियों का भी वर्णन किया। वहाँ तो एक रुच्चा लफंगा कोई भी आ जाए, पेट में दर्द हो तो ये आसन कर लो, ठीक हो जाएगा। पतंजलि कहते नहीं, हमारे यहाँ ये है कि जब तक आप मॉरली ये पांच चीज़ें पालन नहीं करोगे, हम योग में आपको आने नहीं देंगे। योग के अनुकूल चित्त की पांच भूमियाँ बताई, पांच वृत्तियाँ और चित्त की पांच भूमियाँ। और उन भूमियों को देखा कि ये भूमि, ये मूड है, ये योग, ये समझेगा ही नहीं योग को, जो मूड वृत्ति है, जो शिफ्ट है वो भी नहीं समझेगा योग को। इसलिए यम और नियम क्या समझाओगे? मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कागा होतना उजड़े चाहे नौबंद साबुन लाए। जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ हैं, उनको योग क्या समझाओगे? तो इसलिए मूढ़ चित्त जो है योग के अनुकूल नहीं है, शिफ्ट है, इधर उधर भागता, कभी इस चीज़ पे कभी ये मन जो है हमारा क्या करता है, शाखा से शाखा पर जाई। राम से कह रहे हैं बंदर कि मन बड़ा चंचल है, हम तो चंचल हैं बंदर, और हमारा तो एक ही स्वभाव है, कभी इस शाखा पर कूदते हैं, कभी इस शाखा पर कूदते हैं। तो ये योग वाले कहते हैं कि ये हमारा चित्त जो है ये भी बड़ा चंचल है। तो जो चंचल चित्त है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करोगे वैराग्य से और अभ्यास से, आप कैसे समाधि की तरफ चले जाओगे? तो इसलिए चंचल चित्त को आपने कंट्रोल करना है। तो यहाँ योग के अनुकूल ये भी नहीं है। हठ योग में तो सब कुछ कर देते हैं कोई, और यहाँ योग में कहते हैं कि नहीं, तुम योग के अनुकूल नहीं हो, तुम हट जाओ। तो इस तरह से पांच चित्त की भूमियाँ बताई इन्होंने, पांच ही। इसके बाद उन्होंने बताया यम, कि पहले यम करने पड़ेंगे, फिर पांच नियम हैं, शौच। अब शौच में आकर के बहुत सारे लोग जो हैं मॉडर्न योगी, वो कहते हैं इनका जो शौच है पतंजलि का, वो हमारी जो काया शुद्धि के छः कर्म बताए हैं हमने, आपका शौच पूरा ही नहीं होगा जब तक अंदर से काया शुद्ध ना हो। तो हमारे छः कर्म करोगे तुम, तब तुम्हारा शौच पूरा होगा। लेकिन पतंजलि ने ऐसे कर्म नहीं लिखे, ये तो नए लोगों ने जोड़ दिया है दोनों को। हाँ ये है कि उसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने की, तो शौच है, संतोष है, तप है। अब तप में बहुत ज़रूरी चीज़ बता दी कि तीनों चीज़ों में सर्दी, वर्षा और घाम, जो तीनों को सहन कर सकता है शरीर, वो तपस्वी शरीर है। आप सर्दी को शरीर नहीं कर सकते तो आप तप क्या करेंगे? आपको कहा जाएगा भाई ये काम करना है, तो थोड़ी देर बाद ही आपको भाग जाओगे वहाँ से। तो तप में तीनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय के भी जो भाष्यकार हैं उन्होंने दो अर्थ किए हैं। एक तो स्वाध्याय का अर्थ है कि अच्छा अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। और एक लोगों ने, कुछ लोगों ने, विज्ञान भिक्षु ने कहा कि स्वाध्याय का मतलब है कि अपना अध्ययन करो। रात को जब सो, विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छी किताब पढ़ लो। किताब तो बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं और किताब पढ़ने के बाद भी उससे आचरण नहीं करते। तो स्वाध्याय का मतलब विज्ञान भिक्षु ने दूसरा लिया है। उसने कहा कि स्वाध्याय का मतलब है कि रात को जब सो, तो सोने से पहले अपना अध्ययन करो, आज दिन में मैंने जो काम किए उसमें कितने अच्छे काम किए और कितने खराब काम किए। तो स्वाध्याय में आप अपना अध्ययन करेंगे, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं जो उन्होंने किए हैं, तो स्वाध्याय हो गया। फिर ईश्वर परिनिधान, जो भी काम करो ईश्वर को समर्पित कर दो। मैं जो काम कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा। गीता में तो इस पर बहुत चीज़ें लिखी हैं। गीता ने कहा तू अपने सारे कर्म अगर मुझको समर्पित कर देगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कैसे? मैं एक बंदूक लेके जा रहा हूँ और बंदूक लेकर के एक आदमी को उसके घर में गया, मैंने बंदूक मार, उसके सारे घर वालों को मार कर लूट लिया,
और एक आदमी जो है करगिल में खड़ा हुआ, वरना पाँच पाँच दस आदमी हुआ है, कम कर्म तो एक ही किया, पर इसकी निंदा कर रहे हैं और उसको जेल में डाल रहे हैं, फांसी पर डाल रहे हैं, और उसकी प्रशंसा करके उसे दे रहे हैं। कारण क्या है कि यहाँ इसने भगवान के लिए नहीं किया है काम, अपने लूटने के किया, और वहाँ भगवान को यानी समाज को समर्पित करके किया है कि जो कुछ कर रहा हूँ भगवान तेरे लिए कर रहा हूँ, राष्ट्र की रक्षा के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। यहाँ जो मैंने पांच आदमी मारे हैं करगिल में, ये मैंने अपने लिए नहीं मारे, ये तेरे लिए मारे। तदीया कार्याय बद्धा कटियम, मैं जो कटिबद्ध होकर खड़ा हुआ हूँ तेरा काम करने के लिए। तो सारे काम जो करो अगर वो भगवान को समर्पित करके करोगे, इसके लिए हमने पहले ही कहा था जब बता रहे थे हम कौन सा मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग बता रहे थे। जब प्रवृत्ति मार्ग में यही था कि एक आदमी बाज़ार में भिंडी लेने के लिए गया, तो वहाँ एक दुकान पे भिंडी मिल रही थी 40 रुपए किलो, और एक दुकान पे भिंडी मिल रही थी 20 रुपए किलो। वो 20 रुपए किलो की भिंडी ले आया घर, अब उसकी पत्नी जब बैठी तो उसने जो भिंडी चीरी उसमें से कीड़ा निकल आया। ये क्या ले आए तुम? कहने लगी सस्ती मिल रही थी 20 रुपए, वहाँ दूसरी 40 रुपए। उसने कहा तुम्हें निवेदित मैं जब भगवान के सामने रखूँगी भोजन करने के लिए, तो कीड़े पड़ी हुई भिंडी रखूँगी क्या? कहने अच्छी भिंडी लाते, कहते ये फेंक जाओ दूसरी लाओ। तो भगवान को समर्पित करके जो काम करोगे वो तो बड़ा काम बताया, या छोटा काम भी जो होगा उसमें कभी गलती नहीं होगी। मैं अपने लिए, तो ये इन्होंने पांचवा बता दिया। तो ये यम और नियम जो है ये हठ योग में नहीं है, हठ योग आसन से शुरू होता है। अब इसमें आसन एक ही बताया, स्थिर सुखम आसनम। समाधि के लिए जिस आसन जिस पोज में भी थोड़ी देर के लिए जब तक आप कर रहे हो तब तक के लिए सुख के साथ अगर बैठ सकते हो तो वही आसन है। हठ योग वाले आसन में आप स्थिर नहीं बैठ सकते, आपने उष्ट आसन किया तो 3 मिनट 4 मिनट में ही आपको ख़त्म करना, अब यह आधा घंटे बैठना है। तो इन्होंने आसन एक ही बताया, एक ही आसन है बस। ऐसे ही प्राणायाम का बताया कि जिसको हठ योग वाले सरल कहते हैं इनके यहाँ यही प्राणायाम है। अब प्राणायाम के बाद ये प्रत्याहार पर चले जाते हैं। अब इनके यहाँ क्या चीज़ है कि वहाँ तो पैदा हो जाएगा आपका कुंडलनी जहाँ रुक गई विकार पैदा हो जाएंगे, इनके यहाँ क्लेश हैं पंच क्लेश, क्योंकि सारा काम मेंटल कर रहे हैं तो ये पंच क्लेश बताएंगे। तो इनके यहाँ पंच क्लेश है, पांच क्लेश है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये सारे के सारे जो है क्लेश बन जाएंगे इनके। अब राग का मतलब ज़्यादा अटैचमेंट हो गया किसी आदमी से, अस्मिता हो गई, अस्मिता वाले का तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे ज़्यादा अगर दुखदाई चीज़ें दुनिया के अंदर तो अहंकार है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एक टीचर थे बठिंडा में, एक टीचर थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था। तो क्या करते थे, कहते जब मैं गया दीवान चंद गर्ग अपनी दुकान पर बैठा था, इसने हरामदादे ने दुकान से उठ करके मुझे नमस्कार नहीं की, इसकी एब्सेंट लगा दूंगा हाजिरी होते हुए, इसके शॉर्ट कर दूंगा एब्सेंट सारे। अस्मिता आदमी का नाश कर देती है, अहंकार जब जागता है तो आदमियों को खाता है, कुंभकर्ण अहंकार है। मोह दस मौर्य तद भ्रात अहंकार, रावण जो है दस सिर वाला मौर वो है मोह, और मोह जब मुँह पर जब चोट करते हो आप तो अपने भाई को जगाता है अहंकार को, और अहंकार का स्वभाव क्या है, उठते ही आदमियों को खाता है। तो जब अहंकार जागता है तो इसका नाश करूंगा, इसने मेरे कल जब मैं गया था तो इसने मुझे नमस्ते नहीं की थी, कल इसने कुर्सी नहीं दी थी मुझे, मैं इसको मार के छोड़ूंगा। ये अहंकार आदमियों को खा जाता है। तो ये जो पांच क्लेश हैं हमारे, राग है, द्वेष है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, ये सारे पंच क्लेश योग के द्वारा कैसे दूर करने हैं, इनका निवारण का तरीका बताया। और जब ये पंच क्लेश दूर हो जाते हैं तब जाकर के आदमी का कंसंट्रेशन होता है, धारणा ध्यान, और धारणा ध्यान के बाद समाधि, और जब समाधि में पहुंच जाता है आदमी, ये जो तीसरा पाद है ये अंतराय है, यानी समाधि में जाने के लिए जो रोकते हैं वो है आपका विभूति पाद, वो लालच देने के लिए तरह तरह की सिद्धियाँ आती हैं। कोई सिद्धि कहती है ये लालच ले ले,
कि तूने इस तरह करा तो बबूत निकल जाएगी तेरे हाथ में से, तो वो आदमी उसमें फंस जाता है और मोक्ष को भूल जाता है, कैवल्य को। तो ये लालच देने वाली विभूतियाँ आती हैं, इनको कहते हैं अंतराय। योग में बाधा क्या है, सारी सारी शक्तियाँ। तो बहुत सारे आदमी वहीं पर रुक जाते हैं सिद्धियों पर, कि जी मैं हाथ इस तरह से मरूंगा तो पीतल भी सोना बन जाएगा, एक सिद्धि मिल गई। अब वो भूल गया जो हमारा लक्ष्य था समाधि वाला। तो चौथा पाद है हमारा कैवल्य पाद, वो हठ योग में नहीं है। हठ योग में तो शिव शक्ति मिथुन पिंड बनाना है, शक्ति को जगाओ और शिव के पास ले जाओ और दोनों का मिथुन पिंड बना दो, शक्ति और शिव एक दूसरे के साथ अवयोज्य रूप से मिल जाएं, ये सच्चा योग है। क्योंकि वहाँ योग की डेफिनेशन दी है युजिर योगे, और यहाँ दिए युद्ध समाधौ। तो यहाँ जब युद्ध समाधौ में पहुँच जाओगे तो समाधि में पहुँचते ही जो सारे हमारे प्रकृति ने चारों तरफ आपके जाल फैला रखे हैं, वो प्रकृति का जाल सब छूट जाएगा और त्रिगुणातीत हो जाओगे आप, कैवल्य को प्राप्त हो जाए। कैवल्य माने अकेला, कैवल्य को प्राप्त हो जाओ तो पतंजलि योग कैवल्य की तरफ ले जाएगा। अब ये बहुत विस्तार से हैं, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी पूरा घंटे लग गए। हम ये 40 मिनट में करते हैं लेकिन 40 मिनट में नहीं होया, और भी लंबा अगर इसको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते।